So I'm Dr. Ashish, intervention cardiologist. I have experience in cardiology, intervention cardiology for more than 5 years now. वोकार्ड जो नॉर्थ मुंबई के लिए जो एक कहते हैं ना पाइनियरिंग वर्क कर रहा है, नॉट ओनली फॉर कार्डियोलॉजी बट ऑल्सो अदर डिसीज. इट इज स्टेट ऑफ द हार्ट कहते हैं हार्ट केयर फॉर मोस्ट ऑफ द डिसीजेस. एंड इनफैक्ट जो ओवर लास्ट अबाउट जो 8 to 10 years जो कार्डियोलॉजी का प्रोग्राम भी चलता आ रहा है यहाँ पे, बेसिकली जो इमरजेंसी कार्डियक सर्विसेज है जिसमें मेजर हार्ट अटैक्स होते हैं जिन्हें हम स्टेमी कहते हैं, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, हार्ट फेलियर, कार्डियक अरेस्ट, अरिथमियाज, ये सब चीज़ों को बखूबी मैनेजमेंट करने की कहते हैं ना एक्सपर्टीज और एक टीम गियर अप हो चुकी है, जो कि ऐसे आए दिन इमरजेंसीज आते रहते. इवन इन द मिडनाइट जो हमारी टीम गियर्ड अप है, इवन द डॉक्टर्स आर गियर्ड अप, द टीम इज़ सो एक्सपीरियंस कि सभी चीज़ें कहते हैं ना काफ़ी बखूबी आसानी से हो जाती है विद गुड क्लिनिकल आउटकम्स. ना कि सिर्फ प्रोसीजर्स होते हैं, ना कि सिर्फ केयर होता है, बट क्लिनिकली ओरिएंटेड जो आउटकम कहा जाता है वो भी बहुत अच्छा होता है हमारे मरीजों में. इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ द टीम वर्क, द मैनेजमेंट एंड दी कहते ना एडमिनिस्ट्रेटर व्यू एंड विजन ऑन दिस प्रोग्राम. मायसेल्फ डॉक्टर आनंद राम, डॉक्टर अनूप तास्कंडे, डॉक्टर चेतन बारुम्बे साहब. We have 4 cardiologists 24/7 availability. If any patient of heart attack comes to the hospital, there one cardiologist always available on the platform so that patient can be taken for the angiography and angioplasty, whatever they needed for the patient. And usual time for the patient having like heart attack, for the what we call door to balloon time, to opening the vessel, to which artery jo block hoke usko open karne ka time, usual time is 30 to 45 minutes, which is a best in a North Bombay region. This Wockhardt Hospital is the best cardiologist department. And even after cardiology, we have the best ICU team also to take care of the patient who has undergone the angioplasty or a bypass surgery. So recovery of the patient become much better, much better. So we have success of more than 99%, 99. So over जो कुछ last 5 सालों में जो नई उपलब्धियां हैं वोकार्ट हॉस्पिटल के लिए, पर्टिकुलरली जो नई टेक्नोलॉजी अवेलेबल हो रही है साउथ एशियन कंट्रीज़ में, पर्टिकुलरली इंडिया में, पर्टिकुलरली जो हमने लास्ट आई थिंक 6 महीने में हमने जो एक नई टेक्नोलॉजी ऐड की है कार्डियक एमआरआई, जो कि बहुत सारे बीमारियों का हल निकालने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है. और कार्डियक एमआरआई का टर्न अराउंड टाइम भी हमारे हॉस्पिटल में इज़ अबाउट 90 to 120 minutes. सो ये कार्डियक एमआरआई भी जो है हमारा प्रोटोकॉल काफ़ी फास्ट है, रिपोर्ट भी जल्दी मिल जाती है और उसी बेस पे हम आगे का डिसीजन, कुछ मरीजों में हार्ट की पंपिंग बहुत कम होती है, इको ईसीजी के बेसिस पे पूरा आंसर मिल नहीं पाता कि पेशेंट में ऑपरेशन या एंजियोप्लास्टी करके कितना फ़ायदा होता है, ऐसे मरीजों में कार्डियक एमआरआई किया जाता है वायबिलिटी के लिए. तो इन सब चीज़ों में काफ़ी उपलब्धियाँ हासिल हुई हैं. पर्टिकुलरली लास्ट कितने 3 सालों में ऐसी भी चीज़ें हैं कि जो हमारा जो प्राइमरी एंजियोप्लास्टी है, जो इमरजेंसी एंजियोप्लास्टी का जो प्रोग्राम है वो भी काफ़ी गियर अप हो चुका है. हमारे जो नंबर्स हैं इमरजेंसी एंजियोप्लास्टी के और पर्टिकुलरली कॉम्प्लेक्स एंजियोप्लास्टी, जो हम पर्टिकुलरली इमेजिंग जो कहते हैं ना आईवर्स या ओसीटी, जो नई तकनीक है उस माध्यम से भी हम कर पा रहे हैं. लास्ट आई थिंक 16 महीनों में जो नंबर्स हैं हमारे एंजियोप्लास्टी के, जो पर्टिकुलरली साइंटिफिकली ड्रिवन एंजियोप्लास्टी कहा जाता है आईवर्स एंड ओसीटी के द्वारा, और पर्टिकुलरली कुछ केसेस में हम FFR भी यूज़ करते हैं, तो इन सब चीज़ों का नंबर भी बढ़ा है. वी आर इक्वेटिंग टू द स्टैंडर्ड्स ऑफ कहते हैं ना साउथ बॉम्बे एंड ऑल्सो दी वर्ल्ड स्टैंडर्ड, जो कि साइंटिफिक एंजियोप्लास्टी करने की पद्धत होती है वो भी यहाँ पे फॉलो की जा रही है. पर्टिकुलरली द न्यू एडिशन इज व्हाट आई वुड कॉल इज की कार्डियक MRI, आईवर्स एंड OCT इमेजिंग काफ़ी केसेस में यूज़ किया जा रहा है, जिससे कि लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स भी अच्छे हो पा रहे हैं हमारे मरीज में. बैक टू बैक फ्रॉम स्टार्टिंग ऑफ फरवरी we did a 3 TAVI. TAVI is a procedure with a patient of aortic stenosis. इसका हार्ट का वॉल बहुत स्टेनोसिस होता है, स्पेशली aortic वॉल. उन लोगों में ट्रांसकैथेटर तरीके से एक वॉल रिप्लेसमेंट किया था बिना बाईपास सर्जरी किए हुए. तो इनमें कि विदिन अ 1 आवर पेशेंट का प्रोसीजर हो जाता है, पेशेंट के डिस्चार्ज विद इन नेक्स्ट डे. तो दिस इज द वन ऑफ द पायनियर प्रोसीजर स्टार्टेड इन दिस वोकार्ड हॉस्पिटल नॉर्थ बॉम्बे. दिस इज द रिसेंट एडवांस ट्रीटमेंट विच इज यूजली फॉलोड इन वेस्टर्न कंट्री. वी स्टार्टेड इन वोकार्ड हॉस्पिटल ऑल्सो. ठीक है, जिसे स्ट्रक्चरल हार्ट प्रोग्राम कहा जाता है उसमें टावी भी एक भाग है. कुछ ट्रांस कैथेटर या कैथेटर मार्फत टेक्नोलॉजी होती है जिससे माइट्रल वैल्व, एओर्टिक वैल्व रिप्लेस किया जाता है, ये चीज़ें भी उपलब्ध की जा रही हैं. माइट्रा क्लिप जैसे डिवाइसेज भी उपलब्ध किए जा रहे हैं एंड आई थिंक ओवर द टाइम आई थिंक वी विल बी एबल टू एग्जीक्यूट. ओवर लास्ट आई थिंक पर्टिकुलरली 12 महीने में हमने अबाउट 12 केसेस ऐसे किए हैं जो कि मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टोमी, जो मरीज होते हैं कि DVT पल्मोनरी एम्बोलिज्म, पैर की नसों में गांठ हुई होती है वही गांठ फेफड़े की नसों में उतर आती है,
तो ऑक्सीजन बहुत कम हो जाता है और कुछ मरीजों में कहते हैं ना इमरजेंसी वेंटिलेशन पे भी रखना होता है, बट इमरजेंसी वेंटिलेशन इज ओनली आई थिंक कि जो ब्रिज किया जाता है उसमें ट्रीटमेंट पूरी ट्रीटमेंट का पद्धत नहीं है। ट्रीटमेंट की पद्धत होती है कि जो क्लॉट्स फंसे हैं उसको कैथेटर के मार्ग से थ्रोम्बेक्टोमी करके कैथेटर को निकाला जाए और उसे पूरी ट्रीटमेंट की जाए। हमने लास्ट आई थिंक 12 मंथ्स में अबाउट 12 केसेस ऐसे किए हैं डीबीटी पल्मोनरी एम्बोलिज्म के, जो कि एक नई पद्धत है मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टोमी। एंड आई थिंक जो अगर हम नॉर्थ पार्ट में कैलकुलेट करें तो हमारा सबसे ज़्यादा नंबर है मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टोमी का, पर्टिकुलरली फॉर डीबीटी एंड पल्मोनरी एम्बोलिज्म। सो अगेन दैट इज अ ग्रेट अचीवमेंट ऑन आर पार्ट एंड वी हैव अचीव्ड 100% सक्सेस रेट फॉर दिस केसेस। बुखार का अपना 10 साल का जो सफर है, आई थिंक जिस हिसाब से मीरा रोड भायंदर का एरिया बढ़ते हुए देखा है, उसी हिसाब से जो कार्डियोलॉजी के जो लेटेस्ट ब्रेक थ्रूज है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है और वॉट एवर डिवाइसेस है वो सब यूज़ करके, जो आज के टाइम पे वॉट एवर इज़ अवेलेबल बाहर के देशों में भी कट थ्रोट टेक्नोलॉजी के साथ सेम चीज़ आज के टाइम पे मेरा रोड में होती है, तो ये सबसे बड़ा व्हाट यू कैन से सक्सेस स्टोरी वोकट हॉस्पिटल का। पहले के टाइम पे शायद 10 साल पहले शायद पेशेंट का कुछ हार्ट का मेजर तकलीफ होता था, गोइंग साउथ बॉम्बे बड़े हॉस्पिटल में बॉम्बे हॉस्पिटल इधर उधर जाने का किसी का पर्याय नहीं था, पर आज के टाइम पे ऐसा कुछ ज़रूरत नहीं है। विद इन 5 किलोमीटर रेडियस आपका वॉट एवर इज नीडेड कैन बी इजीली डन। वी हैव द एक्सपर्टीज, वी हैव द एक्सपीरियंस और आज के टाइम पे लेटेस्ट जो ट्रीटमेंट रहेगी लाइफ सेविंग द सेम परसेंटेज डाटा मोर्टेलिटी डाटा वो सब मेरा रोड में अवेलेबल है। वोखाड हैज़ बीन एट द फोरफ्रंट, वोखाड हॉस्पिटल का सपोर्ट काफ़ी रॉबस्ट रहा है अपने मैनेजमेंट के सपोर्ट से और जो हमारे सब स्टाफ है वो भी एक्सपर्टीज है, काफ़ी एक्सपीरियंस है, ICU टीम है, इनका सबका जो सहकार्य मिला है उस हिसाब से ये सब सक्सेस स्टोरी अपने को अचीव करने को मिला है। और जो इतना लॉन्ग टर्म फॉलोअप है 10 साल के जो अपने पेशेंट्स आए हैं और काफ़ी सारे पेशेंट आए हैं, आई थिंक सो एक काफ़ी प्राउड फीलिंग है कि 10 साल के बाद भी पेशेंट अपने साथ जुड़े हुए हैं एंड अच्छा काफ़ी फीलिंग है। उनका भी एक्सपीरियंस अपन देखेंगे, शेयर करेंगे वो लोग भी, तो जिस हिसाब से वो एक्सपीरियंस बताएंगे आपको भी एक आइडिया मिलेगा कि आई थिंक सो वी हैव डन वेरी रीजनेबल ऑन पार विद वर्ल्ड्स बेस्ट सेंटर एंड काफ़ी लेटेस्ट काम सब हुआ है। आपकी क्या प्रक्रिया है पिछले 10 सालों में, किस तरह से हम लोगों ने? जैसे डॉक्टर अनूप ने बराबर बताया कि इनिशियली जो ट्रेंड था कि हर एक फैमिली वांटेड टू गो साउथ बॉम्बे, अभी कुछ सालों से वी हैव एस्टेब्लिश्ड अ गुड हार्ट सेंटर एंड हार्ट टीम जो हर तरह की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। डॉक्टर अनूप एंड डॉक्टर राम एंड डॉक्टर आशीष डॉक्टर चेतन हु इज नॉट विद अस एज ऑफ नाउ विल बी जॉइनिंग अस, तो वी हैव अ गुड टीम ऑफ कार्डियोलॉजिस्ट जो इंटरवेंशन साइट देखते हैं एंड मी बीइंग अ कार्डियक सर्जन द सर्जिकल साइड इज लुक्ड आफ्टर बाय मी, तो वी आर ऑफरिंग ऑलमोस्ट ऑल द एंटायर स्पेक्ट्रम ऑफ कार्डियक सर्जरी दैट इज अवेलेबल एंड एट अ वेरी, अगर आप देखोगे कि जो रिजल्ट है इट इज कंपेरेबल विद द वर्ल्ड स्टैंडर्ड। एंड वॉट द बेस्ट पार्ट अबाउट वोखाड इज कि ऑल द फैसिलिटीज आर अवेलेबल अंडर वन रूफ, यानी सब कुछ अगर कुछ कोई भी जरूरत लगता है तो एवरीथिंग इज अंडर वन रूफ। एंड द अदर हाईलाइट ऑफ दिस हॉस्पिटल इज द हार्ट टीम जिसे बोलते हैं, लाइक हमेशा ऐसा रहता है कि कार्डियोलॉजी टीम और कार्डियक टीम आर ऑन अदर साइड ऑन द अपोजिट साइड, बट एट वोखाड वॉट वी हैव अचीव और जो हम प्रैक्टिस करते हैं कि हम दोनों टीम साथ में मिलके काम करते हैं, तो पेशेंट इज ऑलवेज एट द सेंटर, सो इट इज लाइक अ पेशेंट सेंट्रिक अप्रोच। अगर आप बाहर जाओगे तो हमेशा ऐसा होता है कि अगर मेरे पास पेशेंट है तो वो मेरा हो जाता है या उनके पास पेशेंट है तो उनका हो जाता है, बट वोखाड में वैसा नहीं होता। पेशेंट को जो ज़रूरत है कि अगर उनका प्रॉब्लम एंजियोप्लास्टी सॉल्व होने वाला है तो ही विल बी ऑफर्ड एंजियोप्लास्टी, अगर पेशेंट को बाईपास से बेनिफिट मिलने वाला है तो ही ऑफर्ड बाईपास, नॉट दैट मेरे पास है तो मैं बाईपास करूँगा या इनके पास आएगा तो एंजियोप्लास्टी, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। एंड द नेक्स्ट थिंग दैट वी आर लुकिंग एट इज लाइक वी हैव ऑलरेडी सेट अप अ वेरी गुड वैल क्लिनिक,
इसमें अभी लेटेस्ट एडिशन हुआ है जिसे ट्रांस कैथेटर एओर्टिक वैल्व रिप्लेसमेंट बोलते हैं, तो वी ऑलवेज डिसाइड कि विच पेशेंट्स विल बी बेनिफिटेड बाय दैट। ऐसा नहीं है कि वी ऑफर दैट टू एवरीवन, बट द पेशेंट्स विल बी बेस्ट बेनिफिटेड बाय दैट अप्रोच विल अंडरगो दैट प्रोसीजर। सो दैट इज द बेस्ट पार्ट अबाउट वोकल।